ट्रंप की जीत से दुनिया के बदलेंगे हालात। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन जंग कभी भी खत्म कर सकते हैं ट्रंप। मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन खत्म कर सकते हैं ट्रंप। चीन और ताइवान के बीच टेंशन पर होगी नजर। किम के साथ कभी भी शुरू हो सकती है बातचीत। बड़ी खबर ये, ध्यान से देखिए ट्रंप ने क्या लिखा है। वी विल फिक्स इट। ये देखिए ट्रंप विल फिक्स इट। क्या फिक्स करेंगे ये हमने बॉक्स बनाकर आपके सामने दिखाया। आइए देखते हैं ट्रंप को क्या क्या ठीक करना होगा। सीधा आइए और पिनाक सर के पास, उसके बाद मैं चलूंगा उसके बाद अंकुश जी के पास। ये देखिए अब जरा ध्यान से देखिएगा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा और नीचे ट्रंप के शॉट दिखाइएगा, सेलिब्रेशंस के नहीं। ये देखिए मिडिल ईस्ट के हालात पर काबू पाना है नंबर वन। नंबर टू, ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर देश नहीं बनने देंगे। बाइट वाले शॉट्स प्ले करेगा सुशील। नंबर थ्री, ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा का युद्ध खत्म करने के लिए कहा है, मतलब जिससे पहले वो ऑफिस में आए गाजा का युद्ध समाप्त करो। ट्रंप ने ये कहा है 20 जनवरी को, उनकी स्वेरिंग इन है यहां पर। दूसरा, रूस यूक्रेन वॉर। सुशील आप मेरे कमांड पर चेंज करिए। रूस यूक्रेन वॉर पर विराम लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा पॉइंटर जो है वो ये है, ट्रंप ने कहा 24 घंटे में यूक्रेन जंग खत्म करेंगे। फिर यूक्रेन को नेटो की तरफ से हथियार देने के पक्ष में नहीं है ट्रंप। फिर तीसरा, चीन और ताइवान। ट्रंप चीनी विस्तारवाद के खिलाफ है, बहुत सब जानते हैं। ताइवान को ज्यादा ताकत देने के पक्ष में ट्रंप, यह भी सब जानते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, बड़ी खबर। ट्रंप किम के बीच कभी भी खुल सकती है हॉटलाइन, बड़ी खबर है। नॉर्थ कोरिया से बातचीत के पक्ष में है ट्रंप, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस खबर की ब्रेकिंग बगल में लेते रहिएगा और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो तो हमने बता दिया, लेकिन मैं आपसे हमारे दो पड़ोसी देशों के बारे में जानना चाहूंगा। ट्रंप का यह मानना है कि मोहम्मद यूनिस एक प्रॉप है डेमोक्रेट्स का। मोहम्मद यूनिस जो है उनको डेमोक्रेट्स ने खड़ा किया है और इसीलिए वो वहां पर बांग्लादेश में टेंशन होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर आए इमरान खान के प्रति। इमरान खान स्पेसिफिकली से इमरान खान, इन दो फ्रंट्स में आपको क्या लगता है क्या होगा सर? देखिए डॉक्यूमेंटेशन और क्लासिफाइड रिपोर्ट्स जो है वो जो लीक हुई है उससे ये साफ जाहिर है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उनका डीप स्टेट है उन्होंने इमरान को भी हटाया और शेख हसीना को भी हटाया। ये तो खुल के आ गया है मतलब मीडिया में। अब देखना है कि अब यूनुस को, प्रोफेसर यूनुस जो है बांग्लादेश में, उनका तो रिएक्शन नेगेटिव होगा। जहां तक मैंने सुना है वो ऑलरेडी कुछ नेगेटिव रिएक्शन दे चुके हैं, उन्होंने ट्रंप की विक्ट्री पे कुछ नेगेटिव रिएक्शन दिया है क्योंकि वो तो ओबामा और क्लिंटन के दोस्त हैं। उन्होंने उनके कैंपेन फंड्स में कंट्रीब्यूट भी किया है और वो पूरा CIA का ऑपरेशन था विद बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम ISI जो हसीना के खिलाफ जो हुआ। तो यूनुस तो नेचुरली नाराज होगा, पर अब यूनुस के ऊपर प्रेशर तो बढ़ेगा क्योंकि वो जो कर रहे हैं हिंदुओं पे अत्याचार वगैरह, अभी भी चिटागोंग से खबर आ रही है कि इस्कॉन के जो भक्त हैं उन पे आर्मी और पुलिस ने हमला किया है, मारा है, घर तोड़े हैं। ये तो रोज हो रहा है बांग्लादेश। अब इसको तो बंद करना पड़ेगा और ट्रंप साहब ने ऑलरेडी कहा है कि हिंदुओं पे जो हो रहा है वो गलत है और उसको वो सपोर्ट मतलब वो सरकार को उसको कटघरे में खड़ा करेंगे इसके बारे में। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। उधर पाकिस्तान में इमरान को वापस लाना तो शायद संभव नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो कुछ डील वो कर लेते हैं जो भी वहां पे मतलब जो हुकूमत चलाते हैं, बेसिकली आर्मी से तो डील है उनका पूरा पेंटागन का और अदरवाइज, पर देखते हैं क्या होता है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन अब बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, एक बार जरा सुशील हमारी ब्रांडिंग दिखाइए यहां पर। ये ब्रांडिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं और उसके बाद मैं आपके सामने कुछ फैक्टर्स लग रहा हूं। देखिए मैं थोड़ा यहां से मूव करूंगा इस तरफ जहां पे लाइट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड लिटरली दुनिया के इस कोने में डार्कनेस ज्यादा भी है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि अब हम बात करेंगे नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, यहीं से बड़ी खबर। ट्रंप को जीत पर नेतन्याहू ने दी बधाई। वाह, हम सब जानते थे ऐसा होगा। नेतन्याहू ने कहा इतिहास की सबसे बड़ी वापसी। ओहो, और ये तब है जब उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को इतिहास में सबसे बुरी तरीके से निकाला गया। इजराइल अमेरिका के बीच और मजबूत होंगे संबंध। ये वो नेतन्याहू कह रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मैं बाइडेन को 40 साल से जानता हूं। इजराइल अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है,
युद्ध की या शांति की ये वक्त बताएगा, नेतन्याहू ने कहा। ये बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए। इसके बाद सबसे हैरान करने वाली ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं, सीधे आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। ये है ट्रंप और नेता, वेरी वेल, अपनी पैकेजिंग टीम का मैं शुक्रिया करूंगा, बड़े अच्छे शॉट्स लगाए। हालांकि उस जमाने में ट्रंप थोड़े यंग थे, बट नेवर्थलेस ये देखिए, ये शॉट्स रेलेवेंट है।